दोस्तों ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे जबरदस्त वीडियो होने वाले। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसको सुन के आप पूरे तरीके से इस गंदे काम को छोड़ने वाले हैं। आप हिलाना बिल्कुल बंद कर दोगे। और ये स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ही सच्ची है। और आप में से कुछ लोग उस लड़के का नाम भी जानते होंगे। और ये उस लड़के की कहानी है जो एक अमेरिका में रहता था और जिसका नाम पीटर कोपरलैंड था। उस लड़के ने 11 साल की उम्र से हस्तमैथुन करना स्टार्ट कर दिया था जब वो 7th क्लास में था। ही आज वो लड़का बहुत ही कामयाब इंसान है, लेकिन उसने बहुत दिनों तक ब्रह्मचारी का नाश किया और आखिर में आके उसने ब्रह्मचारी का पालन किया और आज वो अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उस लड़के ने 20 साल तक कंटिन्यूसली हस्तमैथुन किया। उसने अपने शरीर के हर चीज का नुकसान किया कंटिन्यूसली 20 साल तक। और ये उसने स्टार्ट किया था इंटरनेट पर चलने वाली गंदी वीडियोस को देखकर। इस वीडियो में जो मैं आपको मोटिवेशन देने वाला हूं और जो चीजें समझाने वाला हूं शायद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके और अपनी जिंदगी को आप सही ट्रैक पर लेके आओ। गंदी वीडियोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और ये चार वर्ड अगर आप अपनी इंटरनेट पर लिखेंगे, सर्च में लिखेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। लेकिन जितनी चीजें भी इस चार वर्ड से निकल कर आती हैं PORN, तो सारी की सारी उल्टी सीधी वीडियोस आएंगी और आपको जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतना काफी है। आपके सामने करोड़ों वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आएंगी सिर्फ इन चार वर्ड। ये जो चार वर्ड है ना, इन चार वर्ड ने ही पूरी जिंदगी खराब कर रखी है जो नौजवान लड़के हैं आजकल के। देखो इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत ही आसानी से दो चीजें आपको अवेलेबल हो सकती है, फ्री एजुकेशन और उल्टी सीधी वीडियो जो आप देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उसी गंदे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पर, PORN। इसके अलावा कुछ और सर्च करते ही नहीं है लोग। उसके बाद बोलते हैं कि हमें लत लग गई है, हम कैसे निकले इससे बाहर, हम इसको छोड़ना चाहते हैं। खुद ही सर्च करते हैं, खुद ही कहते हैं कि हमें इससे निकलना है। अब भाई मजा चखो इसका। आपको सच में लगता है कि लत ने आपके पास आई और लगी? अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सोचोगे ना, आपको पता चलेगा कि कहां कहां आपने गलती की है। ये लत आपने खुद लगाई है। जब बच्चा पैदा होता है उसका जो दिमाग होता है बिल्कुल प्लेन कोरे कागज की तरह होता है। जैसा ही आप उस पर लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसा बीज आप बोते हैं, आगे चल के आप उसी फल को काटते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चीजें आप देखते हैं और हस्तमैथुन करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको इसके जो लक्षण है वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके जो असर है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने जाएंगे, आपकी याददाश्त कम होनी हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, YouTube पर भर भर के नॉलेज पड़ी हुई है। आप डेली अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन वो किसको चाहिए? वो भाई किसी को नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ वो चार वर्ड और कुछ नहीं। अपनी स्किल को बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छा घर बना के दे सकते हैं। अपने छोटे भाइयों बहनों को उनको बहुत अच्छा खाना दे सकते हैं, रहने के लिए अच्छा घर दे सकते हैं, अच्छे कपड़े दे सकते हैं। लेकिन नहीं, इंटरनेट के सामने बैठते ही सबसे पहले थॉट आता है कौन सी अच्छी वेबसाइट है इस चीज़ के लिए। आप सबसे पहले वही सर्च करते हैं। तो इसीलिए आजकल का जो युवा है वो बर्बाद हो चुका है इन सब चीज़ों को देखकर। लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हर कोई ये सोचता है इससे फ़ायदा क्या है, चलो 2-3 मिनट के लिए देख लेता हूँ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप इंटरनेट को खोलते हैं, चलो आप कुछ सीखने के लिए भी आप किसी वेबसाइट को ओपन कर लिया, यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया, लेकिन जहाँ हमको कोई भी ऐसी वीडियो दिखी, थोड़ी सी भी कोई ऐसे पोस्टर दिखा या वीडियो या फोटो दिखी, फौरन हम जाते हैं गूगल पर सर्च करते हैं bestporn.com, वहां पर चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई में, मैं बहुत कमजोर हो रहा हूँ, मुझे चक्कर से आने लगे हैं। तो भाई ये सब चीजें आपने खुद ने ईजाद की है, या किसी और ने ईजाद नहीं की, आप खुद अपने आप के दुश्मन हो। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। आप अपने 10 ग्राम वीर्य को एक डब्बे में करके किसी भी लैब या किसी भी हॉस्पिटल में भेजते हो, पता है बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहां पर वीर्य बिकता है। आप अपने वीर्य को बेचकर पैसे ले सकते हो। तो अगर ये बेकार है जिसको आप ऐसे ही बहा रहे हो, तो दूसरे लोग आपको पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है कि इसकी कीमत है क्या। लेकिन अभी सिर्फ आपको नहीं पता है कि इसकी कीमत असल में है क्या। जिस दिन आपको इसकी कीमत का पता चल जाएगा ना, उस दिन आपको बहुत पछतावा होने वाला है कि आप क्या बहा रहे हैं। आप खुद सोचिए, कोई फ्री में तो आपको पैसे नहीं देगा ना। आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई फ्री में आपको पानी देने के लिए भी तैयार नहीं हो सकता। लेकिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, जो आपको कहते हैं कि हस्तमैथुन से कुछ नहीं होता, आप कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद आपसे खरीदते हैं वो चीज और आपको पैसे देते हैं। उसके 10 ग्राम वीर्य का आपको पैसे देंगे अगर आप अपना वीर्य बेचते हैं। तो अगर ये फालतू चीज है, नाली में बहाने वाली चीज है, तो फिर इसका पैसा क्यों? एक और सबसे मेन चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बात समझिए। आपके पास कोई बाइक है और आप वो किसी
वो बाइक अपनी बेचना चाहते हैं, तो अगर उसकी कीमत 1,00,000 रुपए है तो सामने वाला सिर्फ आपको 50,000 रुपए ही देगा, क्योंकि असली कीमत उसको पता और वो भी आगे से प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो इसलिए आपको बहुत ही कम दाम में खरीदेगा आपकी चीज। इसीलिए आप खुद समझिए कि जो वीरिया है वो लाखों में बिकता है, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वो आपसे लाखों में खरीदेगा आपका वीरिया, तो जाहिर सी बात है उसकी असली कीमत कितनी होगी। इस दुनिया में उसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये गलत काम नहीं करना चाहिए, वीरिया नहीं बहाना चाहिए, उल्टी सीधी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। तो आज से ही आप सब मेरे से वादा कीजिए कि आप कोई भी उल्टी सीधी वीडियो नहीं देखेंगे, आप ये उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे और अच्छे कामों में हमेशा व्यस्त रहेंगे। तो दोस्तों आपके लिए मैं एक वेबसाइट भी बहुत जल्दी आने वाली है, www.ultrahub.in, आपके लिए बहुत जल्दी मैं बनाने वाला हूँ। उस पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सेशन देख सकते हैं, जो कि मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे लोगों को कि वो इस चीज से बाहर निकल पाए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।